Hi again guys, this is Sakshi Raghav and this is in continuation to my Jaipur series. So agar pehle wale parts nahi dekhe hai to please go and watch. And aaj main ja rahi hu probably city explore karne. Maybe I'll go to Amber Fort. Mujhe Amber Fort bahut sahi lagta hai. Reason being is bahut pretty fort hai, bahut sundar jagah hai aur kafi bada hai basically. Mujhe bahut acha lagta hai. Main ek do bari aa bhi chuki hu pehle bhi, but that time I was not vlogging at all. बट अभी आई एम स्टार्टिंग. तो अभी मैं जाने वाली एमोकोट. उसके बाद प्रोबेबली मैं एक बहुत अच्छी जगह जाने वाली हूँ जो पर्सनली ना मुझे बहुत पसंद है, विच इज़ पन्ना मीना का बावली. मे बी कौन यू कैन से पन्ना मीना का कौन. मुझे वो बहुत जगह बहुत पसंद लगती है क्योंकि उस जगह पे ना एक अलग सी वाइब है वहाँ पे. एंड वहाँ पे एक टेम्पल भी है. वो आई थिंक एक इकलौता ऐसा टेम्पल है जहाँ पे कृष्ण जी एंड मीरा जी साथ में है. सो जितना मेरे से पॉसिबल होगा मैं उतना कवर करूँगी. कोई भी मिस्टेक हो, कुछ भी हो, प्लीज़ फॉरगिव मी. आई एम स्टिल इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड लेट्स सी. प्लीज़ वॉच दिस व्लॉग टिल एंड. आई वॉन्ट यू टू सी माई साइड ऑफ स्टोरी फ्रॉम जयपुर एंड लेट्स सी हाउ दिस सिटी इज़ फॉर मी दिस टाइम. दो इट वॉज ऑलवेज अ वंडरफुल वन फॉर मी. मुझे बहुत सही लगता है, मेरे को बहुत अच्छा पीसफुल जगह लगती है बेसिकली. दिल्ली से तो मुझे बहुत फार बेटर लगता है. बट अभी मैं जाने वाली हूँ एंड आई एम ऑल सेट. डू यू वांट टू सी माय लुक फॉर टुडे? यू वांट टू सी? ओके, आई विल शो यू. सी, आई एम ऑल रेडी एंड दिस इज माय प्रिटी किचन फॉर डेज, फ्यू डेज. बट दिस इज वेरी अमेजिंग प्लेस. लाइक आई सेड, मैंने इसका पूरा होटल का व्लॉग पहले ही बना चुकी हूँ मैं. अगर आप लोगों ने नहीं देखा है इसके पहले वाले व्लॉग में, आप देखो. मुझे ये बहुत सही लगता है. ये अभी तक का मेरा सबसे बेस्ट स्टे रहा है. उसका कारण है यहाँ की सर्विसेज. किचन यू गेट एवरीथिंग. यू गेट सच अ अपार्टमेंट फीलिंग. इसके भाई बनाओ, खाओ, कुछ भी करो, यू लव इट. और सबसे बेस्ट थिंग इज पैसे बहुत बचते हैं. आप एक टाइम भी स्विगी जोमेटो करोगे या फिर कुछ भी करोगे ना, आपका मिनिमम 1000 रुपीज़ बिल आ जाएगा इफ़ यू आर टू पर्सन और 3 पर्सन. यहाँ पे ब्लिंकेट करो. नीचे ही बेस्ट मार्केट है, पूरा सुपर मार्केट है जहाँ पे बहुत सारी शॉप्स है. मैंने उसी ब्लॉग में दिखाया आपको. उसमें कंटिन्यूशन में आप देखो, यू लव इट. सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है. अभी आई नॉट वेस्ट मच ऑफ योर टाइम. आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर दिस सिटी. कम विद मी. फोर्ट पहुंच चुके थे एंड यहाँ पे हमारा प्लान चौपट हो गया. रीजन बीइंग अच्छी खासी सोच भी कर रहे थे. खराब मौसम था, वेदर बहुत अच्छा हो गया, बारिश हो गई है, अभी शॉपिंग है. प्लस उस पर बहुत ज़्यादा रश भी आ रहा था. हम लोगों ने यहाँ से जी है एंड ये हमें ऊपर फोर्ट को लेके जाएंगे तो हम वेट भी करेंगे. एंड 500 पर चार्ज रहता है. वो पूरा वेट करता है, आपको लेके जाता है पार्किंग से, पार्किंग तक ही वापस लेके आता है. अभी मैं आपको यहाँ का वेदर दिखा रही हूँ एंड आई विल शो यू कि हम लोग कैसे जा रहे हैं. पूरा रास्ता अभी बारिश हो रही है, चौकस एकदम मस्त. और हम लोग देखते हैं अभी हम लोग घूम भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि उम्मीद कम ही लग रही है बिकॉज ऑफ द बारिश. लेट्स सी. आजकल आने बाई रोड बताई मैंने. रोड में जंगल था. जंगल से आप लोग आते हो तो दीवार पे चोटियाँ बना रखी है. 805 गेट है. वहाँ बैठा हुआ सैनिक आने वाले ढोलने वाले ड्रम बजाते हैं. उनके बाद सुनते आने वाला सर मेरा स्वागत हो रहा है. स्वागत है अधिनियम में संकेत है. गेट पे पूछताछ होती है. वो सामने चार का बद्रीनाथ का मंदिर है, मीराक्षी का मंदिर है और अंकेश्वर महादेव का मंदिर. इस बाउंड्री में 365 मंदिर है. सुदामल जोधा भाई मानसिंह जी रहते और इसी में जोधा की शादी करने के बाद में दरबारों से विरोध से बचने के लिए किला बना. तो पाकिस्तान में सिंध का नाम सुना आपने? हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता. ये तर्ज क्यों दिया गया? मान सिंह ने शर्त की, जहाँ लड़ाई लड़ूंगा राज आपका होगा, धन मेरा होगा, आपको अपना सेनापति बनाया. तो इसमें हिंदू स्थापत्य का मुगल स्थापत्य बना रखी.
और ये किला पाकिस्तान में सुनने का नाम सुना आपने, हड़प्पा मोहन जोदड़ो चंडीगढ़ जैसे किला, उसी तरह से बनाया हुआ किला है। ये भी रास्ता है, ये रानी का आने का नाना रास्ता है। आजकल औरत का बहू बेटी का पता नहीं पड़ता है कौन सी क्या है, कि कपड़े ऐसे पहनते हैं, तो मुनारी का श्रृंगार कपड़ा इधर से रानी आने जाना करती थी। तो दूसरे किले की मैंने जानकारी दी कि वो जयगढ़ का किला, जहाँ भारत की सबसे बड़ी तोप है, हथियार बनाने कारखाना, आर्मी हेडक्वार्टर। आपने हिंदी फिल्म देखी लाल बादशाह, छोटे में बड़े मियाँ, जय विक्रांता, खुदा का वा कितना पद्माती शूटिंग हुआ, कि वो किला राजा पर्सनल प्रॉपर्टी है। वो जो दिया बुरुज दिखाई दे रहा है, वो दिया राजा के टाइम यहाँ मसाल करती थी, सूरज में दिल्ली दिखाई दे रही कि 13 मंजिले इसकी तोड़ दी गई है। अब 5 लाल बत्ती जलती है रॉयल फैमिली जयपुर में उपस्थित है, तो अगर जयपुर से बाहर जाती है रॉयल फैमिली तो बंद कर दी जाती है। ये पहचान भी अकबर बादशाह के साले साहब का किला है, कि यहाँ से किम की माता तारा टाइम के लो दिखाई देता हम लोग बिल्डिंग है, हमने जगह भैया करेगी है साहब। मुस्तान राजस्थान से राजपुर गंगा से गंगानगर, राव जी का जी का बीकानेर, राव जोधा जी का जोधपुर, ये है आपका आमेर का किला। और इसी में गढ़ किले गवर्नमेंट के पास मिल गया, आपने राजमाता गायत्री देवी जी का नाम सुना, उनका शासक सवाईमान सिंह पोलो बिजला जी से पास मिल गया, आमेर पर नारगढ़ पर हवा में जंतर मंत्र अलबेटा गवर्नमेंट के पास, ठीक है सर। नहीं बनाया, ये है किले की दीवार, किले की दीवार पे यहाँ खड़े रहकर शनि नीचे मोर्चा लेने का, ठीक है। जब राजा लड़ाई में जाता है तो शालीमा के मंदिर के दर्शन करके नगर भ्रमण करके निकलता है, ऊपर झुलके में रानी अंतिम विदाई देने आता, जब राजा जीत के आता है वेलकम के लिए रानी आते, अंदर झुलके देख रहे हो राजा बादशाह आते से आते नौकर फूल बरसा के स्वागत करते हैं, सामने झूमर है लाइट क्लिक कैंडल चिन्ह अगर लाइटिंग, ये जो दो दोखे द्वार पर बैठे पूछताछ के लिए, इसकी छत मिलेगी प्लेन, हिंदू सिस्टम को काम नहीं होता है। ये लकड़ी का गेट देख रहे हो, राजप्रिया का बड़ा गेट ओपन, आप अपनी खिड़की नल और नलकी गति एक होता है, आदमी विनम्र शालीनता से आगे बढ़ सकता है, जैसे नल नीचे रखेंगे पानी तेज आएगा, है ना। ये ऐसा अब हम लोग अंदर जा रहे हैं, इधर से बारिश ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है। ड्रपा दे आटा गाड़ी।